मेरा नाम रतन देवी है। पानी तो बहुत चाहिए, भैंस भी है, गाय भी है, 16 सदस्य भी हैं। हमारे यहाँ पानी की कोई सुविधा नहीं है, हमारे यहाँ सरकार पानी की कोई सुविधा नहीं दे रही। अब अपने आप तो कर रहे हैं, हमने नगर निगम की सप्लाई में पाइप लगाया है, टंकी लगवा ली, पानी तो थोड़ी देते हैं, रात को 3 बजे दें, 2:30 बजे दें, 2 बजे दें, वो का टाइम थोड़ा ही है। अब वो टंकी टाइम पर आ जाए और हमारे यहाँ खुल जाए तो हम भर लें, अगर आँख ना खुली तो पानी गया, पानी से तो पानी तो आदमी का जीवन नहीं। उम्मीद हमें ये है, सुन रहे हैं कि हाँ भाई सुनते रहे, 20 साल हो गए सुनते सुनते, तो अभी देखो कितनी है, क्या पता इतनी ऐसी सुनते सुनते हम हमारी जिंदगी पूरी हो जा। मुझे इस जमीन पर खेती करते हुए 30 साल हो गए, मेरे पास 5 एकड़ जमीन है, सब्जी उगाते हैं, गेहूं उगाते हैं और धान उगाते हैं। खेती के काम के लिए ना तो कोई मतलब कनेक्शन दिया किसानों को और ना कोई सरकारी ट्यूबवेल लगा। जो पानी की सुविधा करी है गांव वालों ने, वो अपने तरीके से करी है। ये गांव से, गांव के अंदर नाली बनी हुई है, उनसे जाके नीचे में जहां पे पानी निकलता है खेत में, और वहां पे कच्ची नालियां बनाकर खेतों में पहुँचाया जाता है। ये तो जिस फसल को देना देते हैं वो सेहत के लिए नुकसान देती है, शरीर के लिए हानिकारक है। उन्हें तो जहाँ प्रदर्शन होते हैं, ये होते हैं, मार धाड़ होती है, उनके लिए ये पानी का इंतजाम कर रहे हैं। गांव से कोई मतलब नहीं है, गांव में तो सीधे साधे लोग रहते हैं। मैं एक पत्रकार हूँ, मैं प्रदूषण पर भी कुछ काम करता हूँ और ज़मीन से रिलेटेड जो भूमि अधिग्रहण के संबंध में जो विषय हैं उन पर भी मैं अपना काम करता हूँ। गाज़ियाबाद जनपद देश का तीसरा प्रदूषित शहर है और ये क्रिटिकल जोन घोषित किया गया है। नहीं, सैंड पंप का जो जींस जो इंडस्ट्री जो कंटामिनेशन कर रही है ना, और इसका पोल्यूशन बोर्ड वाले लेके गए हैं तो वो रिपोर्ट दिए, उसे बड़ा साफ है। मैंने कहा तुम बेवकूफ़, एकदम काला निकल रहा है, ये रिपोर्ट उसी की है। तो खान बोला नहीं नहीं, उस मैंने कहा मैं और अलग कराएंगे, हम पूरा वो कर देंगे ना, ख़त्म ही कर देगा आदमी को। लेकिन इसके अलावा एक और बड़ी समस्या ये है कि यहाँ गाज़ियाबाद में बहुत पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज मिनिस्टर्स की हैं। मैं अगर किसी कंपनी की कंप्लेन करता हूँ और वो मिनिस्टर की है या किसी बड़े उद्योगपति की है जिसके संबंध बड़े बड़े मिनिस्टर से हैं, तो मैं आर्ट राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत अपली उसके एक्शन टेकन रिपोर्ट लेने के लिए RTI फाइल करता हूँ। अगर उस पर भी नहीं होता तो फिर हम लोग मैं PI कैन फाइल PIL में सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में उसके खिलाफ एक जनहित याचिका दायर करने के लिए कदम उठा। मेरा सपना है कि अगर ऐसा इस प्रयास से ये हो जाए तो ये राजधानी के नज़दीक सटा हुआ जो ज़िला है वो प्रदूषण रहित करने का मेरा सपना है।